जैन भाई, आज जो आप है अपने क्षेत्र में जो है जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके का देख रहे हो? डेवलपमेंट तो कोई दिखता नहीं, अगर कोई डेवलपमेंट की बात करता है तो वो मजाक लगता है, कुछ नहीं। मैं वर्ल्ड वाइज बात कर सकता हूँ। हम शुरू करते हैं 216 से। 216 में वो जो लेडी काउंसलर थी पहले, अनाइता मेहता, उसका परिवार 50 साल तक रूसी मेहता, उनके पिताजी, उनकी रॉयल्टी कमाया अमीन पटेल ने, उस बुनियाद पर वो वोट मांगते रहे। वरना अमीन पटेल को बताने के लिए एक काम नहीं है 216 में। वहां पे मसाइल कितने हैं आप जानते हैं? एक कोने से शुरू करते हैं, गिरी हुई इमारत, 14 साल हो गए उस इमारत को गिरे हुए। सिटी सेंटर जिसमें 400 टेनेंट हैं, बेचारे आज वो बीमारी में मुब्तला, परेशानी में मुब्तला, उनको स्कूल में भरने की फीस नहीं है, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। वो आवाज किसकी सुनी जाती है? बिल्डरों की सुनी जाती है, मालदारों की सुनी जाती है, और किसी की नहीं सुनी जाती। वहां बीडीडी की चाल है, चौल में भी कुछ नहीं किया आपने, कोई काम, एक काम बताने के लिए नहीं इनके पास कि वो उन्होंने कुछ किया है, ना गरीबों के लिए ना अमीरों के लिए। सिर्फ उस ऋषि मेहता परिवार की जो कमाई थी वहां पे, अभी जो नरवनकर है नगर से, वक्त उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, अभी इनसे आहत होके इनके बदजुबानी की वजह से, ठीक है वो चलता है, लेकिन काम के नाम पर आप कुछ नहीं करते। 213 में आ जाइए। 213 में इन्होंने क्या किया? 2019 में इन्होंने ये बताया कि हम एक हॉस्पिटल इलेक्शन से पहले कंप्यूटर पे लेके चलते थे कि देखो देखो हमने पास करवा दिया, बस इलेक्शन खत्म होगा और आचार संहिता लगी हुई और ये काम शुरू हो जाएगा। आपका हॉस्पिटल और 10वीं गली का हॉस्पिटल, कोई काम शुरू नहीं हुआ, कोई पास नहीं हुआ। अभी इलेक्शन के आते आते उसका फाउंडेशन चालू किया है और वो 13 माले का हॉस्पिटल के फोटो दिखा रहे हैं। अच्छा वो काम किसका है? नगर सेवक का। आपने क्या किया? अच्छा वो भी हम विश्वास नहीं है कि वो बनेगा। अगर वो बनेगा भी तो 2029 के असेंबली में आप उसको फीता काटने के लिए रखेंगे, उससे पहले कुछ होने वाला नहीं। वहां की मार्केट है, बीएमसी मार्केट है, कोई डेवलपमेंट नहीं। वहां का गार्डन आप देख लो, कोई डेवलपमेंट नहीं। स्कूल के नाम पर स्कूलें बंद हो रही है वहां पर, रोज तनाजे हैं। आपने कुछ नहीं किया। आप वो एक फिल्म आने वाली थी उसके लिए आपने कहा कि अगर वो गंगूबाई, उसके लिए आपने आवाज उठाया, लेकिन जब किसी रिलीजियस मसले में मेजोरिटी का जो मसला आया उस पर आप खामोश रहे। 220 पे आते हैं। 220 में SBUT का जो मसला है वो इनका कुछ भी नहीं है, वो एक कम्युनिटी कर रही है। अच्छा 213 में एक बात रहेगी। 213 में आप ये जो कहते हैं कि क्लस्टर डेवलपमेंट आ रहा है, तो ये क्लस्टर डेवलपमेंट एक धोखा है, मजाक है वहां के रहवासियों के लिए। आप यकीन मानो, ये इलेक्शन नहीं, इससे पहले 3 इलेक्शन में क्लस्टर डेवलपमेंट आया। कारपोरेशन से पहले जो मुंबरा के हमारे हाउसिंग मिनिस्टर थे उनको लाया गया, उसके पहले और मिनिस्टरों को लाया गया। हर दौर में क्लस्टर डेवलपमेंट की चूरन बांटी गई। अब ये इलेक्शन हो जाएगा, फिर अगले मुंबई महानगर पालिका के पहले क्लस्टर डेवलपमेंट आएगा, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के पहले क्लस्टर डेवलपमेंट आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ वहां के लोगों के साथ, वहां की गरीब जनता के साथ मजाक है। 220 में SBUT की बात हो रही है। SBUT में आप देखिए, वहां पे वक्फ का मसला है। मैं तो सुनता हूं तो हैरत होती है, लोग कहते हैं कि वक्फ वगैरह क्या है भाई, आप लोग क्या, ये ऐसे बदजबान लोग हैं, वक्फ का मसला है। अच्छा SBUT में टेनेंट और उस SBUT जो अपलिफमेंट वो जो है उसके और टेनेंटों के बीच में बहुत से तनाजे हैं, लेकिन टेनेंटों की नहीं सुनी जाती, SBUT की सुनी जाती है। क्यों? कि हमारा मिजाज ये बन गया है कि हम पैसे वालों की सुने, कुछ नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मजाक है। अच्छा सिर्फ यहां पे नहीं, और हमारे जो चौरसिया भाई वगैरह फैमिली वहां पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, जो इनका एक अपना वोट बैंक था। 221 में आइए। 221 में जो जितनी भी जमाते हैं, मंसूरी जमात ये और जितने भी जमाते हैं, आप उनसे पूछिए, सिर्फ मंसूरी जमात का एक हॉल बना है और एक किसी जमात का हॉल बना, खत्री जमात है, उसके अलावा वहां पे आपने क्या किया? चंद खूबसूरत लाइट लगाने से वहां के मसले हल नहीं होते। वहां पे एजुकेशन का मसला है, बच्चों की तालीम का मसला है, वहां पार्किंग का मसला है, और सारी चीजें हैं लोगों के पास। कालपा देवी जाइए, जो 221 का मसला, 222 और 223-224 जो इलाका है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए गैर कानूनी इमारतें
जो इमारतें बनी है ना उसका एक बहुत बड़ा नमूना बन चुका है ये सदफ मंजिल, वो जो बिल्डिंग गिरी है जिसको तोड़ा गया उसके टेनेंटों के साथ क्या हुआ, 90 लोग बेघर हो गए। आज इस फिरका परस्ती के दौर में खुदा ना खास्ता अगर आपको ये आपके सर पे जो तलवार लटक रही को ये कह दे कि आप गैर कानूनी इमारतों में रह रहे हैं और इसको तोड़ा जाएगा, क्या कर लेंगे आप? आपकी खामोशी ने लाखों हजारों परिवारों को आज जिंदगी और मौत के दरमियान छोड़ रखा है। वो कहां जाकर डूबेंगे, मरेंगे, कितनी बदवाएं लेंगे? आपने असेंबली में सवाल उठाया कि हम ये आवाज उठाएंगे, आपने आवाज उठाई, लेकिन आप जो सवाल करते उसके नतीजे क्यों नहीं आते? अब्दुल रहमान साहब बाबा इंस्टीट्यूट, वो जो आपने कहा कि हम उसको नाम देंगे, आपने वो भी नहीं किया। अरे वो तो छोड़िए, वो नगर सेविका वकारुन्निसा साहब है जिसने पूरी जिंदगी, उसकी जिंदगी एक इनकलाबी जिंदगी थी, उसने हर चौराहे पे नुक्कड़ पे गरीबों की लड़ाई लड़ी। आप उसके नाम का एक वो चौक के अच्छी सकल सूरत नहीं दे सकते? बात डेवलपमेंट की होती है तो डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 15 साल में क्या किया इन्होंने? अच्छा लोग, ये मकसद ये नहीं, हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है किसी से, ठीक है वो बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम अच्छी तालीम, अच्छा आप समझिए मतलब असेंबली में आप क्यों जाते हैं, क्यों भेजा जाता है आपको? आपको इसलिए भेजा जाता है कि आप वहां के मतलब जो कानून साज असेंबली है, आपको कानून बनाने पड़ेंगे। यहाँ की जो मकदूस इमारतें हैं, डेंजर बिल्डिंग है, उनके लिए आपने 15 साल में क्या किया? आप सिर्फ इलेक्शन से पहले हर बिल्डिंग के नीचे जाकर बैनर लगाते हैं और 2 लाख 3 लाख 5 लाख का चेक देते हैं, एमएलए लेटर, एमएलए का जो फंड होता है उसका लेटर देते, उसमें फंड में भी आप में ये हिम्मत नहीं कि उस फंड में जो करप्शन है उसको रोक सके। आपने अब तक जो बताया है, स्कूल की इमारत बताई है वो भी बीएमसी कर रही है, और जो हॉस्पिटल और इसकी बात कर रहे हैं वो भी बीएमसी कर रही है। आपने जितने भी अपने कामों को दिखाया है, हमने तो 2009, 2014 और 2019 का आपका मैनिफेस्टो देखा है। आपने 200 करोड़ रुपए लाने की बात की थी, वो भी पूरा नहीं हुआ। आपने जितनी बातें बताई हैं वो आपका नगर सेवक करता है। वो एक कहावत है हमारे यहाँ कि बजा मारे गाजी मियाँ, धक्का सहे मुजावर, तो मुजावरों के जरिए जो काम हुआ है उसका माथे पे आप अपने लेवल लेके चले। आप ये बोलते हो अरे अल्लाह का करम है, बस अल्लाह तोबा अल्लाह तोबा। आप कहेंगे 24 घंटे में मैं अमरीका पहुंच गया, तो आपके पहुंचने का कमाल नहीं, जिस प्लेन में आप जा रहे हैं वो कमाल है, जिस सैम्बल से आप लड़ रहे हैं उसका कमाल था। लेकिन 15 साल में जिस तरीके से आपने लोगों को वादे के नाम पर झूठी बातें की है, जो वादे किए, वादे 2 मरतबा होते हैं, उससे बाद 3, तीसरी मरतबा हो तो झूठा हो जाता है। जो वादे आपने किए, जो झूठी बातें की है, वह अब आवाम की निगाह में आ गई। अब इस इलेक्शन में इसका जवाब आपको पढ़ा लिखा बाज़मीर इंसान जो शऊर रखता है, जो गुलामी नहीं करता, आजाद है, वह आपको जरूर इसका जवाब देगा। मुंबई देवी में लड़ाई हो रही है, आप बात करते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब आप हिंदू मुस्लिम की बात करने जाते हैं, उस फिजा को बनाने जाते हैं, तो ये गलत बात है। आज हिंदू हो या मुसलमान, हर आदमी डेवलपमेंट के नाम पर वोट देने की बात कर रहा है। जो मुतासिब लोग हैं, जो फिर मतलब सोचते हैं ठीक है, उन लोगों ने भी अपनी तीसरा रास्ता चुना है, सिर्फ दो नहीं ट्रायंगल फाइट होने जा रही है, सारे लोग लड़ रहे हैं, मेहनत से नतीजा जो भी आए अच्छा ही होगा, और हम उस नतीजे के साथ हाजिर रहेंगे, शामिल रहेंगे।